हाय मामा पापा, कैसे हो आप लोग? ये लेटर लिखना उतना ही मुश्किल है मेरे लिए जितना आप लोगों के लिए पढ़ना होगा। सो आई जस्ट होप आपको ये ना मिले, और अगर मिला तो मतलब आई डिडंट मेक इट बैक फ्रॉम माय ऑपरेशन। बट दैट्स ओके, इसी के लिए तो मैंने फौज ज्वाइन करी थी। अरे मम्मा, जरा एक बार वो फेवरेट आटे वाला हलवा बना देना प्लीज, और मेरे भूखे दंगे दोस्तों को खिला देना। पापा, कभी कभी सोचता हूं मैं कि थिंग्स वुड हैव बीन सो डिफरेंट इफ आई कुड हैव डन व्हाट आई रियली वांटेड टू डू। सर, लेटर? यस सर। लिख लिया? ऑलमोस्ट। आपने लिखा? नहीं यार, लिखना अभी बचा है। पर जब भी लिखता ऐसा लगता है कि अपना लास्ट लेटर लिख रहा हूँ। अजीब लगता है, मतलब बिना मरे लेटर लिखना। नहीं, एनीवे, नर्वस? थोड़ा सा। थोड़ा सा ठीक है। चल गेट रेडी, ब्रीफिंग इन 10। या सर। जय हिंद। जैसे कि आप सबको पता है कि दुश्मन ने एक बार फिर हम पे हमला करने की जुर्रत करी है। उत्तर में हमारी फौजें इस हमले का मुंहतोड़ जवाब दे रही हैं। आज हम दुश्मन के इस इलाके में घुसपैठ करके कुछ ऐसी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे जो हमारे पलटन के अगले ऑपरेशंस में काम आएंगी। इस ऑपरेशन के दौरान आपका टीम लीडर मेजर कीरत होंगे और कैप्टन अजय आप सेकंड इन कमांड। आगे की ब्रीफिंग मेजर कीरत करेंगे। सर। ऑल योर्स। परमिशन टू बिगिन? या प्लीज। ये मैप उस एरिया को दर्शाता है जहां पे आज हम पेट्रोलिंग के लिए जाएंगे। जगह का नाम खूनी नाला जंक्शन। रूट इन और रूट आउट इन एरो से दर्शाया गया है। इस इलाके में दुश्मन की हरकत की वजह से हम एक छोटी टीम में जाएंगे। ये हमारा पीबी होगा, यानी कि पेट्रोल बेस। सिखलाए और रियर्स किए हुए तरीके से ही पीबी सिक्योर किया जाएगा, और पीबी पे भारी सामान रखने के बाद ही हम दुश्मन की तरफ आगे बढ़ेंगे। लीड में स्काउट स्वामी और स्काउट आनंद। स्टॉप की जिम्मेदारी मेरी होगी। इस एरिया में हम लिस्निंग ड्रिल करके ही आगे बढ़ेंगे। कोई हरकत दिखाई देने या सुनाई देने पर हम कवर लेंगे, और मेरे आदेश के बिना कोई फायर नहीं खोलेगा। अगर पेट्रोलिंग के दौरान कोई अलग हो जाता है तो यहां आरवी पे मिलेंगे। इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद पीबी होते हुए हम रूट आउट फॉलो करेंगे। किसी को कोई शक? नहीं साहब। शक नहीं तो घड़ी मिलाए। जब मैं बोलू टाइम, तब समय होगा 16:30 आवर्स। टाइम। सर। ऑल राइट, ऑल द बेस्ट बॉयज। थैंक यू साहब। थैंक यू सर। अजय कब है? सर। हाउ यू फीलिंग? गुड सर। जिस समय के लिए तुमने ट्रेनिंग ली है वो आज आ गया है। योर फर्स्ट एक्चुअल ऑपरेशन। वन मिस्टेक एंड दैट्स द एंड। मैं नहीं चाहता कि ये चिट्ठी किसी के घर जाए। आई डोंट वॉन्ट टू लूज एनीबडी। गॉट इट? आई वोंट लेट यू डाउन सर। I trust you. All the best and Godspeed. Sir!
अजय साहब आप ठीक हैं? अजय साहब आप ठीक हैं? मामी वापस आ। अजय साहब अजय आनंद साहब, अजय साहब डाउन है। आप लोग मुझे कॉल पाए दो, मैं अजय को लेके आता हूं। रेडी फायर। साहब समझ में नहीं आ रहा कहां से फायर आ रहा है। साहब आप मुझे कवर फायर दें, मैं लेके आता हूं, मैं पास पे हूं। नहीं, दुश्मन का फायर बहुत बढ़ चुका है, उसे हम सब मारे जाएं। अभी यार भी जाते हैं, मौका देके फिर जाएंगे। फॉल बैक रेडी फायर। हिंदुस्तानी वहां गिरा है, अगर जिंदा है तो कैप्चर करो। जी जनाब, कॉपी दैट। Ah!
अगर जवाब ना दिया तो मुझे ढूंढते हुए यहाँ जाएंगे। मैं जंगल के खंडर में हूँ। फातिमा, मेरी बेटी का नाम है। बात पूछूं, रुक क्यों गए? मारिया क्यों नहीं? पता नहीं, मारना तो चाह रहा था पर ए फौज आपके और मेरे जैसे आदमियों के लिए नहीं है जनाब। क्या? मैंने फौज अपने देश के लिए ज्वाइन करी है। मेरा वो मतबल नहीं था, आप मुझे गलत अंदाज में ले रहे हैं। चूतिया। वैसे मैं भी अपने मुल्क के लिए फौज में भर्ती हुआ था, लेकिन मेरे तरजीहात बदल गए। अब मैं अपने काम से ज्यादा अपने खानदान से प्यार करता हूं। नाम क्या है तुम्हारा? आबिद। अजय आहूजा। तो छोड़ क्यों नहीं देते? अजी कहाँ, अभी सरस खत्म होने में काफी वक्त है। फोटो में तुम्हारी फैमिली, फैजा और फातिमा। आपकी शादी हुई है? नहीं। आपकी फौज में शमूलियत की वजह क्या थी? क्या आप मुझे बता नहीं सकते? मेरे पापा चाहते थे मैं फौज ज्वाइन करूं। और आप? मुझे तो पोएट्री लिखना था। एकदम पुट्ठा। कहां वो मोहब्बता की बातें और कहां ये खून खराबा।
अभी भी लिखते हो कि छड़ता? कभी कभी लिखता हूं, जब वक्त मिलता है तब। इरशाद? सही में? क्यों नहीं, सवेर तक तो वैसे भी कहीं ले जा नहीं सकते, और अगर ले जाएंगे तो या तो कोई जानवर काट खाएगा या तो कोई बूबी ट्रैप। ठीक है, बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े इमारतों में बड़े बड़े घर, हर घर की छोटी छोटी कहानियां, छोटे छोटे जंग। अब इन करोड़ों जंगों के बीच में दो देशों की जंग क्या? बस चंगा ही हो या फौज में भर्ती हो गए। पर लिखो, और मन साफ है आपका, कोशिश करोगे तो आगे जाओगे। फिर जब इंटरनेट पे फेमस हो जाओगे ना, तो मैं भी बताऊंगा लोगों को कि एक रात अजय आहूजा ने जंग दे वक्त मुझे अपनी पहली कविता सुनाई थी। फैमिली से मिल पाओ। ओरा खंडर, जल्दी चलो। खोल दो, मैं उनका ध्यान भटका दूंगा, तब तक आप पीछे वाले दरवाजे से भाग जाओ। छेती करो, सोच क्या रहे हो? छेती की होया? नहीं। अरे की होया? अरे अरे ये क्या कर रहे हो? अरे अरे भाग जाओ, अभी भी वक्त है, जाओ उधर से, अरे वो मार देंगे तुमको, जाओ। जनाब सब ठीक? हाँ बस भटक गया था, चले। क्या फोटो? आबिद मियां, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। आया था आपके नाम का। अच्छा वो यहीं मिल गए, घर नहीं आना पड़ा।
चलिए खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। बड़े शहरों में बड़ी बड़ी इमारतें एक दूसरे को देखकर बनती ख्वाहिशें हजारे, किसी को दौलत की जरूरत, किसी को सुकून भरी नींद। कोई पूरा करना चाहे ख्वाब अपना, तो किसी को रहना है अपनों के करीब। कोई इन ख्वाबों के लिए लड़ रहा है, तो कोई इन ख्वाबों से दूर जाने के लिए। कोई मीलों दूर समंदर के करीब जाता है, बस प्यासा लौट आने के लिए। अब अपने ख्वाबों को पूरा करते जाने लोग क्यों भूल जाते हैं कि समय तो अनंत है नहीं, फिर ये आज को दांव पे क्यों लगाते हैं।